राजधानी जयपुर के सेंट्रल पार्क में 9 साल से जारी निशुल्क योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का 10वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कोठारी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को स्थापना दिवस की बधाई दी और योग से जुड़े अनुभव साझा किया। कोठारी ने बताया कि आज के दौर में अनियमित दिनचर्या और खानपान से छोटी उम्र में ही शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। इनसे बचने के लिए योग ही कारगर उपाय है। आपको बता दें कि 9 साल पहले ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने इस कार्यक्रम का आगाज किया था। ये जो पतंजलि की सारी अष्टांग योग की पद्धतियां हैं, वो सारी पद्धतियां शरीर से शुरू होते होकर ध्यान में से गुजरते हुए हमारा योग हमसे कराती है। मूल बात ये है, हमारा योग हमसे कराती है, जिसको हम रोज की दिनचर्या में भूल चुके होते हैं। हम सेंट्रल पार्क योग केंद्र का 10वां स्थापना दिवस यहाँ मना रहे हैं, जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण और गुरुकुल योग संस्थान के संयुक्त प्रयास से निरंतर चल रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण, विशेषली राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा और स्पेशली श्री जगदीश कातिल साहब, जो कि ईटीवी के हेड हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जयपुर वासियों की अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही अच्छा योग का केंद्र उन्होंने शुरू किया। 9 साल इधर राजधानी जयपुर के सेंट्रल पार्क में 9 साल से जारी निशुल्क योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का 10वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कोठारी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को स्थापना दिवस की बधाइयां दी और योग से जुड़े अनुभव साझा किए। कोठारी ने बताया कि आज के दौर में अनियमित दिनचर्या और खान पान से छोटी उम्र में ही शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। इनसे बचने के लिए योग ही कारगर उपाय है। आपको बता दें कि 9 साल पहले ईटीवी न्यूज नेटवर्क है जगदीश चंद्र ने इस कार्यक्रम का आगाज किया था। पतंजलि की सारी अष्टांग योग की पद्धतियां हैं, वो सारी पद्धतियां शरीर से शुरू होते होकर ध्यान में से गुजरते हुए हमारा योग हमसे कराती है। मूल बात ये है, हमारा योग हमसे कराती है, जिसको हम रोज की दिनचर्या में भूल चुके होते हैं। हम सेंट्रल पार्क योग केंद्र का 10वां स्थापना दिवस यहाँ मना रहे हैं, जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण और गुरुकुल योग संस्थान के संयुक्त प्रयास से निरंतर चल रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण, विशेषली राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा और स्पेशली श्री जगदीश कातिल साहब, जो कि ईटीवी के हेड हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जयपुर वासियों की अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही अच्छा योग का केंद्र उन्होंने शुरू किया 9 साल पहले। राजधानी के सेंट्रल पार्क में 9 साल से जारी निःशुल्क योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का 10वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कोठारी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को स्थापना दिवस की बधाई दी और योग से जुड़े अनुभव साझा किए। कोठारी ने बताया, आज के दौर में अनियमित दिनचर्या और खानपान से छोटी उम्र में ही शरीर बीमारियों का घर बन जाता है, जिनसे बचने के लिए योग ही कारगर उपाय है। आपको बता दें कि 9 साल पहले ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने इस कार्यक्रम का आगाज किया था। पतंजलि की सारी अष्टांग योग की पद्धतियां हैं, वो सारी पद्धतियां शरीर से शुरू होते होकर ध्यान में से गुजरते हुए हमारा योग हमसे कराती है। मूल बात ये है, हमारा योग हमसे कराती है, जिसको हम रोज की दिनचर्या में भूल चुके होते हैं। हम सेंट्रल पार्क योग केंद्र का 10वां स्थापना दिवस यहाँ मना रहे हैं, जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण और गुरुकुल योग संस्थान के संयुक्त प्रयास से निरंतर चल रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण, विशेषली राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा और स्पेशली श्री जगदीश कातिल साहब, जो कि ईटीवी के हेड हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जयपुर वासियों की अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही अच्छा योग का केंद्र उन्होंने शुरू किया 9 साल पहले।